मैं फरहान, इंडियन मीडिया बुक से। जो पहले हमने आपको बताया था कि एनआईए एक्ट लोकसभा में पास हो चुका है, अब एनआईए एक्ट जो है राज्यसभा में पास हो चुका है और इसको फाइनल मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति जी के पास भेजा जा चुका है। अब इसी दौरान में लोकसभा में हमारे अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। काफी सारे सदस्यों ने कहा पोटा को रिपील करना पड़ा, टाडा को रिपील करना पड़ा क्योंकि इसको मिसयूज हुआ था। मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं साहब, पोटा को मिसयूज के लिए रिपील नहीं किया गया था, पोटा को वोट बैंक बचाने के लिए रिपील किया गया, कोई मिसयूज नहीं हुआ पोटा का, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। तो जहां आपने सुना कि अमित शाह गृह मंत्री जी ने कहा कि इसका मिसयूज नहीं हुआ था, तो पहले ये बता दूं कि जो टाटा है ये पोटा से पहले का कानून है। 2002 में जब वाजपेयी सरकार आई थी तब टाटा को हटाकर पोटा को लेकर आई थी। तो अमित शाह ने कहा कि कोई मिसयूज नहीं है, तो क्या सचमुच में इस कानून का मिसयूज नहीं हुआ था? तो देखिए क्या हुआ, 2002 में जब अक्षरधाम में आतंकी हमले हुए तो इसमें पोटा के तहत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, ये कहकर कि एजेंसी इनको जबरदस्ती इस केस में फंसा रही थी। और लोअर कोर्ट में यहाँ तक हुआ था कि 2 लोगों को फांसी की सज़ा भी दे दी गई थी, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2014 में बरी कर दिया। तो बात यह है कहीं ना कहीं पोटा का तो मिसयूज़ हुआ, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे केसेस थे जहां पोटा का मिसयूज़ हुआ है। अब बात यह है कि एनआईए बिल ऑलमोस्ट पास हो चुका है, तो अब देखना पड़ेगा, वक्त बताएगा कि इसका मिसयूज़ कितना होता है या नहीं होता है। अच्छा, दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। एक फेक कॉल सेंटर का पता चला है जो गाजियाबाद में हुआ है। ये 3 जो लड़के थे, इन लोगों ने एक रैकेट शुरू किया था। ये तीनों लड़के बिहार के रहने वाले थे, बिहार में एक बक्सर जगह है वहाँ से आए थे, वहाँ से ये आकर गाज़ियाबाद में कॉल सेंटर ओपन किए। उनका नाम था सोनू जो 26 साल का था, बलराम सिंह जो 28 साल के, और अमन 25 साल के। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और लैप्स कर जाता है, लोग उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो उन लोगों का लिस्ट निकाला, उन लोगों को कॉल करते थे और फिर बोलते थे कि आपने पेमेंट नहीं किया है, उसके ऊपर ये पेमेंट होगा आपका और इसके ऊपर इतना जीएसटी है, तो पहले आप जीएसटी और टैक्स पे कर दीजिए, उसके बाद से आपको पॉलिसी भी एक्टिवेट कर देंगे। तो ऐसा जब कन्विंस किया जाता था इस तरह से कि जीएसटी और सर्विस टैक्स की बात होती थी, तो लोगों को ये लगता था ये जेन्युइन कॉल सेंटर है, और क्योंकि उनके पास पूरा आपका डिटेल होता था, तो आप जिस जगह से पॉलिसी लिए होते थे वहाँ से वो लोग पेपर निकाल लेते थे। तो जब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा तब पुलिस के नज़र में आई, ये तीनों पकड़े गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जब कॉल आए तो पूरी तहकीकात कीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले आप पूरी तरह से परख लें कि ये कॉल सेंटर सही है या कॉल कहीं फेक तो नहीं है। अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में जो नया अपडेट है वो इस प्रकार है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजन गोय ने कहा कि मेडिएशन जो कमेटी है वो अपनी काम उसी तरह कंटिन्यू करेगी 31 जुलाई तक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगा। ये जो हियरिंग का डेट तय हुआ है वो लगभग 2 अगस्त से शुरू होगा। ये खबर बेंगलोर से है। बेस्कॉम को 25 लाख रुपए का फाइन डाला गया है, और ये जो फाइन लगा है ये फाइन डाला है बीबीएमपी ने। पहली बार किसी सरकारी एजेंसी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई, और हुआ ये कि इन लोगों ने अपने केबल डालने के लिए खुदाई की शुरू की, इसके आवज में एस सोमशेखर जो बीबीएमपी के चीफ हैं उन्होंने कहा कि हमने 25 लाख रुपए का फाइन लगाया है, अभी इसमें रोड रीस्टोरेशन चार्ज ऐड नहीं किया गया है, उसका अमाउंट 4,70,000 रुपए और ऐड करना बाकी है। कर्नाटका का अपडेट आपको देता चलूं,
लंच ब्रेक हो चुका है और फ्लोर टेस्ट होने का अभी कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह का डिस्कशन फ्लोर के अंदर हाउस के अंदर हो रहा है उससे ये क्लियर लग रहा है कि बात को टालने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के तरफ से फ्लोर टेस्ट करवाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से इसको टालने की कोशिश की जा रही है। इस टाइप से लगता है कि ये फ्लोर टेस्ट तो आज तो हो नहीं पाएगा और हो सकता है कल भी ना हो। फाइनली फ्लोर टेस्ट होने की जो संभावना, जो स्थिति नज़र आ रही है वो लगता है मंडे को ही जाकर होगा। ये टाइम इसलिए शायद लिया जा रहा है कि जो नाराज़ एमएलए कांग्रेस और जेडीए के तरफ से हैं इतने टाइम में शायद उनको मना लिया जाए। आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि इंडियन मीडिया बुक को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके पास अगर कोई भी खबर है, कोई जानकारी है, कोई न्यूज़ है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हम उसकी तहकीकात करके अपने मीडिया चैनल पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिससे ये खबर दूसरों तक पहुंच सके। Thank you.